बिहार बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली इंटर की परीक्षा 1 फरवरी और 17 फरवरी से शुरू होने वाली मैट्रिक परीक्षा में 10 सेट में प्रश्न पूछे जाएंगे। सेट ए से लेकर सेट जे तक रहेंगे, जिसमें छात्र छात्राओं को कोई भी सेट मिल सकता है। इंटर की परीक्षा में 10 सेट में प्रश्न पूछे जाएंगे और मैट्रिक की भी परीक्षा में 10 सेट में प्रश्न पूछे जाएंगे। सेट ए से लेकर सेट जे तक प्रश्न तैयार किया जाएगा, लेकिन सभी का प्रश्न एक ही जैसा रहेगा, केवल नंबर आगे पीछे रहेगा। जैसे कोई प्रश्न सेट ए में एक नंबर पर है और वो सेट बी सी डी ई एफ जी एच आई जे में भी जो है वही प्रश्न रहेगा, अलग अलग नंबर पर, जैसे 65 नंबर पर भी जो है वो प्रश्न हो सकता है या फिर किसी भी नंबर पर वो प्रश्न हो सकता है। इंटर मैट्रिक परीक्षा में मॉनिटरिंग ऐप से किया जाएगा। परीक्षा में होने वाली धांधली एवं सूचनाओं को तुरंत पहुंचाने के लिए ऐप से मॉनिटरिंग परीक्षा को किया जाएगा, जिसे किसी भी जानकारी को तुरंत जो है पहुंचाया जाए और होने वाली गतिविधियों पर नजर रखा जाए। इंटर मैट्रिक की होने वाली परीक्षा में आसान प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि तीसरी लहर के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित रहा और पूरी सिलेबस समाप्त नहीं हुआ। जनवरी में भी स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हुए हैं। वो बच्चों के हित फैसला लेते हुए आसान प्रश्न पूछने की बात कही है। इस बार होने वाली इंटर मैट्रिक की परीक्षा में किसी कारणवश किसी छात्र छात्रा का एडमिट कार्ड अगर गुम हो जाता है या भूल जाता है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी एक पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पहचान पत्र, पासबुक आदि से भी इंटर मैट्रिक की परीक्षा में शामिल होकर परीक्षा दे सकते हैं।